संगरूर तो नवे चुने गए लोकसभा मैंबर सिमरनजीत सिंह मान कल जितन तो बाद पहली वारी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक होए जित दा शुकराना कीता। मान ने कहा कि वह संसद विच सिख मुद्दे नू पहल दे आधार ते चुकणगे अते मरहूम प्रधानमंत्री राजीव गांधी नू कतल करन वाले नू तां रिहा कहिंदे कर दिता, पर बंदी सिख जिन्हां ने अजिहा कुछ भी नहीं किया उन्हां नू हुण तक रिहा नहीं किया जा रहा। मान ने वादा किया कि वह इस मुद्दे नू सब तो पहला संसद विच चुकणगे। हालांकि मान ने यह भी साफ कर दिता है कि पिछले दिनी जो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों बंदी सिख कैदियां दी रिहाई दे लई एक कमेटी बनाई गई सी उसकी मीटिंग भी हो चुकी है, तो हुण मान ने कहा कि वह इस मीटिंग दे विच नहीं शामिल होणगे। मान ने साफ कह दिता कि श्रोमणी अकाली दल ने मेरे खिलाफ चोणां दे विच उम्मीदवार खड़ा कर दिता सी, ते अजिही स्थिति दे विच उह अजिही कमेटी दे मैंबर वजों मीटिंग च शामिल हो ही नहीं सकते। मान ने यह भी कहा कि वह सदन दे विच श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां लटक रहीयां चोणां दा मुद्दा भी चुकणगे। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ नूं केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाउण दा विरोध अते पंजाब नाल संबंधित होर मसले भी उन्होंने कहा कि मैं सदन दे विच पहल दे आधार ते चुकांगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान जो अमृतसर पत्रकारों ने मान को खालिस्तान की मंग बारे सवाल पूछा तो मान ने स्पष्ट किया कि खालिस्तान की मंग चलती रहेगी। जिहड़े 11 सालों तो नहीं होए, बरगाड़ी का मसला हैगा जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वेले केस रजिस्टर होया सी, बादल साहब की हुकूमत सी उस वेले, हुण आम आदमी पार्टी की हुकूमत आ गई है। पर जिहड़े सिखां दे मसले हैगे 328 सरूप जिहड़े एस टी पी सी ने खुरद बुरद करते हैं, तो पंजाब का बॉर्डर नहीं खुल रहा इंटरनेशनल ट्रेड के नई, ये सारिया बहुत वड्डिया चीज़ा है जड़िया यह करन वाली है सिखां दे मसले। और पंजाब के मसले भी है कि जिहड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी है उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है चंडीगढ़ च, वो असी नहीं बन देनी चाहते। फिर सरकार 780 करोड़ रुपया ला रही है राजस्थान कनैल की लाइनिंग करने की कॉन्क्रीट लाने दे दी, जो सानू पानी नहीं मिलता राजस्थान कनैल तो फिर साड़ी सरकार इन्ना पैसा कादे लिए ला रही है। आम पार्टी की पॉलिसी है महल्या दे विच स्कूल ते हॉस्पिटल तकड़े करने, उधरले पासे पैसा लगे जिहड़े साडे बच्चे पढ़ लिख सकन, जिहड़े बीमार हैं उन्हां दी दवाई बूटी हुंदी रहे। ये सारे वड्डे वड्डे मसले है जिहड़े पंजाब दे है, ते इह 1984 दा जिहड़ा इह जबर जनाह ही होया साडे उत्ते, साडी कौम दे उत्ते नसलकुशी भी कीती गई, अजे तक उहदा जवाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिता नहीं है कि यह ठीक सीगा कि नहीं ठीक सी। जबकि अमेरिका दे कई स्टेट्स ने मते पास करते हैं कि यह जेनोसाइड ते नसलकुशी सिखां दी होई है। ये सारे इंटरनेशनल मसले हैगे है ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਾਗਰ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਗੇ।